नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इसके ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है या इसके पहले जो बनाया है उसमें हमने मीन और मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो बड़े होने की वजह से इसको दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब हम क्लियर कर लेते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है या मोड क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है कि वो नंबर जो सबसे अधिक बार आया है, मतलब जो आंकड़े हमको दिए होते हैं उसमें जो अंक सबसे अधिक बार आता है वही उस आंकड़ों में उन आंकड़ों में वही उसका बहुलक होता है। बहुलक का एक डायरेक्ट फार्मूला है, बहुलक का रिलेशन मीडियन और मीन के साथ भी होता है। तो बहुलक या मोड बराबर 3 into median minus 2 into minus 2 mean। क्लियर? अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ले लेते हैं कि क्या है। तो यहां पर देखिए 36, यहां पर जो रिपीट हो रहा है वो 36 कितनी बार आया है? दो बार आया है। 36 हमारा दो बार आया है और आप देख लीजिए कोई चीज दो बार नहीं आई है। तो दोस्तों दो बार आया है इसलिए दो आंसर नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36 इसका बहुलक हो गया, यही आंसर हो गया। अब दिक्कत कब होती है आगे देखो, पांच कितनी बार आया है? दो बार। पांच कितनी बार आया है? दो बार। और देखिए सात कितनी बार आया है? दो बार। और हमारा तीन कितनी बार आया है? तीन बार। तीन कितनी बार आया है? तीन बार। क्लियर? और दो कितनी बार आया है? दो बार। एक दो यहां है, एक दो यहां है, यानी कि तीन बार सबसे अधिक तीन आया है। तो इसका आंसर कितना हो गया? तीन। यही दोस्तों बहुलक हो गया। अब दरअसल देख लेते हैं जहां दिक्कत होती है कि जब दो संख्याएं सेम हो जाती है, जैसे एक दो तीन, यानी कि तीन बार हमारा दो आया है। और देखिए यहां पर देखेंगे दो बार हमारा तीन आया है और छह बार हमारा तीन आया है। क्लियर? सॉरी, छह हमारा तीन बार आया है। तो ये कितनी बार? तीन बार। ये कितना? तीन बार। ये कितना? दो बार। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए ना, तब हमारा जो आंसर होता है वो ऐसे लिख सकते हैं 6 and 2। क्लियर? 6 and 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? छह भी तीन बार है और दो भी तीन बार है, तो क्या होगा? छह भी होगा और एंड टू, इस तरीके से हम आंसर देंगे। क्लियर दोस्तों? अब आइए देख लेते हैं परास या रेंज। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुलक का ऐसे भी बनता है कि बहुलक का एक ये भी ट्रिक होती है, बहुलक का रिलेशन मीडियन और मीन के साथ भी होता है। अब कोई क्वेश्चन दे देगा कि मीडियन आपकी चार है, मान लीजिए मीडियन चार है और मीन आपकी दो है, तो बताइए बहुलक क्या होगा? तो दोस्तों इसमें किससे? तीन से गुणा माइनस इसमें दो से गुणा। अब इसको जो हम करेंगे तो चार किया बारह, और बारह में से कितना हो जाएगा? चार जाएगा तो कितना बचेगा? आठ। यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी एक होता है बहुलक का। अब दोस्तों हम इसी चीज को देख लेते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं इसी चीज की। तो देखिए रेंज का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। देखिए रेंज का एक हमने यहां पर फॉर्मूला नोट कर दिया है। रेंज का मतलब होता है जैसे गोली कितनी रेंज तक जाएगी। क्लियर? मतलब अधिकतम सीमा। रेंज मतलब क्या होता है? जहां तक उसकी लिमिट होती है, अधिकतम सीमा। तो दोस्तों रेंज हम परास जब फाइंड आउट करते हैं तो परास में क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी मान में से सबसे छोटा मान घटा देते हैं, आंकड़ों का सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा देते हैं तो क्या मिल जाती है? रेंज मिल जाती है। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने कर दिया 2, 4, 5, 7, 17, 19, 22 की रेंज ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द रेंज। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 22, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? 2। तो हम जानते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि 22 में से 2 घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 20। यही दोस्तों इसकी क्या हो गई? परास हो गई या इसकी रेंज हो गई। क्लियर दोस्तों? अब आइए देख लेते हैं एक चीज इसमें और पूछा जाता है। तो दोस्तों मोड भी समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, और दोस्तों रेंज भी समझ में आ गई होगी।
ये भी उम्मीद करता हूँ उनने पहले जो इसके वीडियो बना हुआ है उसमें अपने आपको मीन और मीडियन का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो दोस्तों अब एक चीज में और पूछ लेता है, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन। तो यहां पर देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीन या ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल मीन का एक परिभाग या कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनेगा n दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल। अब देखो जब दोस्तों दो चीजें होंगी तो यहां वर्ग होगा, अगर तीन संख्याएं होंगी तो यहां पर क्यूब होगा, चार संख्याएं होंगी तो यहां चार होगा, पांच संख्याएं होंगी तो यहां पे पांच होगा, क्लियर। अब जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीन का, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 16 24 27 32, क्लियर। 16 24 27 32 का जीएम ज्ञात कीजिए, इन फाइंड आउट जीएम, गुणोत्तर या वहां पर ज्योमेट्रिक मीन, क्लियर। अब जरा देखो दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीन का अभी मैंने क्या पूछा यहां पर n, तो 1 2 1 2 3 4, यहां पर कितना हो जाएगा 4, और यहां पर ब्रैकेट में सभी संख्याओं का या दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा 16, यहां पर कितना हो जाएगा 24 27 और 32। अब दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें से चार पेयर में से एक बाहर आएगा, जैसे आप यहां समझ लीजिए कि अगर यहां पर वर्ग है तो x इंटू एक्स में से x बाहर आता था, यदि यहां पर तीन है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स में से बाहर आता था, अब यहां पर यदि चार है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स में से चार में से एक बाहर आएगा, क्लियर। अब इसको आप जब तोड़ लेंगे तो देखिए 2 × 4 × 8 × 16, 8 × 3 = 24, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, 27, 3 × 9 = 27, 8 × 6 = 32, यानी कि 2 × 4 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32। अब हम जानते हैं चार पेयर में से एक बाहर होता है, तो इसमें से दो बाहर हो जाएगा, और यहां से देखिए तीन ये है और एक ये है, क्लियर। तो ये फिर दो बाहर हो जाएगा, और फिर यहां से फिर दो बाहर हो जाएगा, और इस तीन में से एक तीन, तो 2 × 4 = 8, 3 कितना हो जाएगा इसका मान 24, इसका जीएम कितना हो गया 24 हो गया, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज कभी भी क्वेश्चन मीन या माध्य का नहीं फंसेगा, कभी भी मीडियन का क्वेश्चन नहीं फंस सकता, कभी भी मोड का क्वेश्चन नहीं फंस सकता, कभी भी रेंज या परास का क्वेश्चन नहीं फंस सकता, और कभी भी ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों कमेंट्स करना है, और अपने मित्रों में शेयर करना है, और दोस्तों जो लोग पीसीएस देना चाहते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, तो मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। दोस्तों अगर स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का और कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। दोस्तों जितने ज्यादा आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उतना ही ज्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और उतना ही ज्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों धन्यवाद।